नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आकांक्षा अवस्थी। आज मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माको थेरापेटिक सब्जेक्ट के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाली हूँ। तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। उससे हम स्लाइड में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आपको डीफॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप हमारे इस ऑनलाइन नंबर पे 9219303100 पे सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। हमारी पेड ऑनलाइन क्लास लेके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यदि अभी आपकी तैयारी नहीं हो पाई है कम्प्लीटली तो आप ये पेड ऑनलाइन क्लास लेके अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं आपके डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। तो बच्चों, जो हमारा इसमें चैप्टर वन है, तो फार्माकोथेरेपेटिक सिलेबस में आप ये देख रहे हैं, ये कोर्स कोड है हमारा इस सब्जेक्ट का, ER 2240। तो चैप्टर वन में आप देख रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट की इंट्रो क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है बच्चों। तो इंट्रोडक्शन, स्कोप और ऑब्जेक्टिव जो कि इंपॉर्टेंट है ये आप छोड़ नहीं सकते। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिंस ये आप छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, चैप्टर नंबर वन में ये तीनों टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनकी आपको तैयारी करनी चाहिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका चैप्टर जिसमें हम बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बीमारियों में जो भी हमारी हार्ट से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो जो भी डिजीज है, सबसे पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। इटियोपैथोजेनेसिस, किस कारण से वो डिजीज हो रही। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बच्चों, कि ऐसा क्या प्रमाण है कि एक डॉक्टर ये मैनिफेस्ट कर सके कि हाँ इसे डायबिटीज है। डायबिटीज के टेस्ट कराने पे अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उसे डायबिटीज है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज, हम डिजीज की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, दवाएं देकर या बिना दवाएं देकर, लाइफस्टाइल में चेंज करके, खान पीन में चेंज करके कैसे हम उस बीमारी को रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट तो हमें डिजीज में पढ़ने ही हैं, इतनी पॉइंट्स को हमें कवर करना है डिजीज में। अब कौन सी डिजीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज, मतलब हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड जो भी हमारे डिजीज हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, बढ़ी हुई बीपी, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिजीज में आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स में कहीं से भी कोई पॉइंट आ सकता है। ये सिलेबस भी छोटा है इसका, और इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ पढ़ना भी नहीं है। तो आप ये नहीं सोचिए कि हमें इतने सारे डिजीज पढ़ने पड़ रहे हैं, ये बहुत इजी हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे अगर आप हमारे पेड ऑनलाइन क्लास पे इन डिजीज को पढ़ते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हम हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियोर को पढ़ना बहुत जरूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका अस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थमा और COPD भी इंपॉर्टेंट है, बट अस्थमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियोर ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन से रिलेटेड सिस्टम, इसमें कौन सी डिजीज, मतलब हार्मोन की कमी या अधिकता से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो जैसे डायबिटीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने की पूरी संभावना है, ठीक है। हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म की भी आने की पूर्ण संभावना है। आप कहेंगे मैम तो पूरा सिलेबस भूल रही हैं, लेकिन इसमें आप छोड़ नहीं सकते हैं, डिजीज है ये। नेक्स्ट आया आपका इसी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट बी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी डिजीज है, सेंट्रल CNS की, जिसमें कि आपका पार्किंसन, एल्जाइमर और स्ट्रोक और एपिलेप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार माइग्रेन पूछा गया है, लेकिन आपके पार्किंसन और एल्जाइमर और स्ट्रोक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोग हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट सी चैप्टर 3 का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां। तो इसमें आपका जर्ड है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, कभी कभार ये पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेप्टिक अल्सर है और इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज,
जिसमें कि क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पेप्टिक अल्सर आपका पहला है, और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और तीसरा है आपका क्रॉन्स डिजीज जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, खून से संबंधित बीमारियां, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंफेक्शियस डिजीज में आपका ट्यूबरकुलोसिस इंपॉर्टेंट है, टीबी, निमोनिया भी इंपॉर्टेंट है बट कम है, टीबी के चांसेस ज्यादा है, यूटीआई इंफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका बच्चों हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है, गोनोरिया सिफिलिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एचआईवी समटाइम्स ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपकी ये बीमारियां इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, लेकिन आप मलेरिया को भी एक नजर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मसल से संबंधित और बोन से संबंधित बीमारियां, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस है आपका, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट में इंफ्लेमेशन आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो आपकी प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं कार्टिलेज वगैरह ये डैमेज होने लगते हैं, तो इसलिए बोन की प्रोटेक्टिव कवरिंग में सूजन आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों डर्मेटोलॉजी, स्किन त्वचा संबंधित रोग जो है, तो इसमें सोराइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसमें बार बार स्किन जो है रिप्लेस होती रहती नई स्किन से, तो स्किन बनते ही वो स्किन जो है क्या कहते हैं शेड ऑफ होने लगती है, ठीक है, तो सोराइसिस पेनफुल भी होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। स्केबीज है, एक एक्जिमा करके भी है इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्केबीज कभी कदार लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में बच्चों आपका साइकोसिस इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी डिप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी कभी कभार इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट है बच्चों ऑप्थेल्मोलॉजी, आपका नेत्र से संबंधित जो रोग है, तो कंजक्टिवाइटिस और ग्लाउकोमा है जिसमें कि आपका मोतियाबिंद ग्लाउकोमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में अगर हम देखें वुमेन हेल्थ में, तो ये पीसीओएस, ठीक है, आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कॉमनली हर फीमेल में, हर दूसरी फीमेल में पाया जा रहा है, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है आपके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उदित फार्मेसी में डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा कोर्स प्राइस है, फर्स्ट ईयर का भी 1499 है और कोर्स प्राइस सेकेंड ईयर के लिए भी 1499 है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो देर मत करिए, अपनी तैयारी के लिए हमारे पेड ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, और साथ ही साथ आपको हमारे हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मतलब बुक्स मिल सकते हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के, सिर्फ अभी टोटल 5 सब्जेक्ट के जो है आपको बुक्स मिलेंगे जो मात्र 999 में है, जो लेकर आप अपनी तैयारी एग्जाम की अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एग्जिट एग्जाम है जिससे आप रजिस्टर फार्मासिस्ट बन सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा के, तो उसके MCQs फॉर ऑल सब्जेक्ट, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स उन क्वेश्चंस को करने के लिए, PCI के अकॉर्डिंग सिलेबस है जो मात्र 499 में है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही साथ अगर आपको उदित फार्मेसी का पेड ऑनलाइन क्लास लेना है, तो आपको प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी क्लासेस को इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, आपको अपना नाम ईमेल आईडी करके प्रोसीड करना है, फिर आपको हमारे क्रैश कोर्स या हमारे पेड ऑनलाइन क्लासेस जो भी डीप फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हैं आपके नीड के अनुसार आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो हमारा पेड ऑनलाइन क्लास की कोई भी जानकारी या समस्या के लिए आप हमें इस नंबर पर 9219303100 पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और कुछ हमारी पेड ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी समस्या के लिए, कुछ भी जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, नमस्कार।